नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वर्षा और आप देख रहे हैं रैपिड टाइम्स। चलिए एक नजर डालते हैं आज के दिन भर की खबरों पर। सिलीगुड़ी में करीब 10 करोड़ की लागत से नए सिरे से ड्रेनेज सिस्टम बनाने का काम हुआ शुरू। काम शुरू होने से पहले अशोक नगर के निवासियों ने किया जमकर हंगामा। सिलीगुड़ी में 1 रुपए में 99 परिवारों को दिए जाएंगे जमीन का पट्टा। बागा जतीन पार्क में मेयर गौतम देव की मौजूदगी में आज पट्टा देने का प्रक्रिया हुआ शुरू। ससुराल से मायके में आकर गृहिणी की आत्महत्या, पति गिरफ्तार। घटना को लेकर सिलीगुड़ी के शांति नगर में फैली सनसनी। मशहूर आर्किटेक्ट पीआर मेहता और मेयर गौतम देव ने कंचनजंगा स्टेडियम का किया दौरा। इस दौरान डिप्टी मेयर रंजन सरकार, मेयर परिषद दिलीप बर्मन व अन्य रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल सिक्योरिटी वर्कर्स यूनियन ने बकाया वेतन सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज सिलीगुड़ी पॉलिटेक्निक कॉलेज के मुख्य गेट के सामने किया विरोध प्रदर्शन। फिर एक बार तस्करी से पहले 88 मवेशियों के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों को आज सिलीगुड़ी महकमा अदालत में किया गया पेश। तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन ने विभिन्न मांगों को लेकर अलीपुर द्वार के संकोष चाय बागान और जलपाईगुड़ी के एलन बाड़ी से शुरू किया विरोध रैली। तोषा नदी से बालू उठाकर भाजपा तोड़ेगी कानून। कुमार ग्राम के भाजपा विधायक मनोज उराव ने पार्टी कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन कर की घोषणा। राजगंज में बाइक और चार पहिया वाहन की जोरदार टक्कर में बाइक चालक की मौत, जांच जुटी पुलिस। कुचबिहार जिले के भारत बांग्लादेश सीमा से बीएसएफ ने एक बांग्लादेशी दलाल सहित 3 बांग्लादेशी नागरिक को किया गिरफ्तार। रैपिड टाइम्स में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स। नमस्कार।